रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज घोषणा पत्र जारी करेगा एनडीए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे समेत बड़े नेता रहेंगे मौजूद। संयुक्त रैली का भी आयोजन होगा। बहराइच मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बढ़ाई तारीख, बुलडोजर एक्शन पर लगाई थी रोक। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी ने झोंकी ताकत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे चुनाव प्रचार। मुंबई और वाशी में होगी जनसभाएं। राष्ट्र में संविधान बचाओ अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। सांसद राहुल गांधी नागपुर में अभियान को दिखाएंगे हरी झंडी। ओबीसी जनगणना की मांग को बढ़ाएंगे आगे। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी का सख्त एक्शन। पार्टी अनुशासन का पालन न करने और उसे तोड़ने के आरोप में 40 नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का तीसरा दिन। कार्यवाही के दौरान अनुच्छेद 370 को लेकर हंगामा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी ने प्रस्ताव पारित करने की मांग की। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जताई आपत्ति। जम्मू कश्मीर में 6 घंटे में 2 एनकाउंटर। बांदीपोरा में 1 आतंकी ढेर। कुपवाड़ा में सुरक्षा बल आतंकियों की मुठभेड़। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले शिवराज सिंह चौहान, का इंडिया गठबंधन की गारंटी झूठ का पुलिंदा। पिछली बार भी जेएमएम और कांग्रेस ने गारंटियां दी थी, उन्होंने पुराने वादे पूरे नहीं किए और अब नए वादे लेकर आ गए। स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा चाहे झारखंड में सीता सोरेन या महाराष्ट्र में शाइना एनसी हो, ऐसा क्यों है कि जब एक महिला अपने सिद्धांतों के लिए राजनीति में चुनाव लड़ती है तो इंडिया गठबंधन के नेता उसके खिलाफ मर्यादा विहीन बयान देते। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा राजनीति और नौटंकी अलग अलग है। राजनीति गंभीरता का विषय है और राहुल में कहीं भी गंभीरता नहीं दिखाई देती, इसलिए जनता उन्हें नेता के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकती। पश्चिम बंगाल उपचुनाव पर बोले दिलीप घोष, कहा बंगाल में जो उपचुनाव हो रही है उसमें हर जगह तनाव। तृणमूल ने धमकी देने शुरू कर दी है, फर्जी लोगों को चुनाव में उतारा गया, यहां हिंसा की राजनीति होती है। एमपी उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज। बुधनी में प्रचार करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी भरेंगे हुकार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट शिवपुर में करेंगे जनसभा। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन। दिल्ली के एम्स मिली अंतिम सांस। सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेताओं ने जताया दुख। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया तो कहा उनका जाना संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। छठ से जुड़े गीतों की गूंज भी सदैव बनी रही। सीएम योगी ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया तो कहा शारदा सिन्हा जी का निधन अत्यंत दुखद है, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम उनके परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। राहुल गांधी ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख, कहा अपनी मधुर आवाज के लिए प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन की खबर बेहद दुखद है। शारदा जी अपने स्वरों के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही थी। लालू प्रसाद यादव ने शारदा सिन्हा के निधन पर जताया दुख, कहा शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीतकार थी, हर परिवार उनके गीतों को सुनता था। मैं सूर्य भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर अनिल विज का बड़ा बयान, कहा हमारी केंद्र सरकार इस पर नजरें रखे हुए है, हमारे देश के नागरिकों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है। पीएम मोदी इसका पूरी तरीके से ध्यान रखे हुए हैं। छठ पर्व के समय यमुना नदी दूषित। यमुना नदी में छठा प्रदूषण का स्तर सतह पर जहरीली छा की परत। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी झूठी है। वे वायु प्रदूषण के लिए पंजाब में पराली जलाने को जिम्मेदार मानते थे। जब से पंजाब में आपकी सरकार बनी है उन्होंने यूपी और हरियाणा को दोष देना शुरू कर दिया।
दिल्ली में सांस लेना मुश्किल, 11 इलाकों में क्यूआई 400 पार, विजिबिलिटी भी होनी लगी कम। वक्फ बोर्ड को लेकर यूपी सरकार बनाएगी नियमावली, मुतवली की न्यूनतम शिक्षा और आयु में बदलाव, वक्फ संपत्ति के मुतवली बनने के लिए स्नातक जरूरी, न्यूनतम आयु 18 की झुके अब 25 साल होगी। कैबिनेट बैठक में नियमावली पर हो चुकी है चर्चा। सीएम योगी ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के ज्योति दिवस पर किया नमन, कहा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन ज्योति दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की नई पहल, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच चलने वाले मेट्रो स्टेशनों पर यूपीआई के माध्यम से टिकट निकालने की लगाई गई मशीन, 88 टिकट वेंडिंग मशीनों से यात्रा होगी आसान। बांदा में देर रात चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, दो पहिया और चार पहिया वाहनों का किया गया चालान, वाहन चालकों से की गई अपील, कहा शराब पीकर ना चलाए वाहन। बांदा में देर रात चलाया गया विशेष चेकिंग अभियान, दो पहिया और चार पहिया वाहनों का किया गया चालान। मथुरा में आज से 11 दिवसीय ब्रज रज उत्सव की शुरुआत, कैबिनेट मंत्री हेमा मालिनी ने ढोल बजाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नोएडा के सेक्टर 153 में एसीई बिल्डर की मनमानी, एसीई बिल्डर बर्बाद कर रहा है भूजल, बेसमेंट में खुदाई के दौरान भूजल को निकालकर नाले में डाला जा रहा है, डीएम ने दिए जांच के आदेश। कुंद्रती उपचुनाव के प्रचार में पहुंचे राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति, कहा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में हमारी पूरी कोशिश है, परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे। खाचों पर तैयारियां पूरी, प्रशासन और समिति के लोग रहे मौजूद, खाचों पर सफाई के साथ की गई लाइटिंग। नोएडा के गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई ऑफिस पार्टी, कंपनी डायरेक्टर ने की युवती से अश्लील हरकत, कंपनी डायरेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर में तबंजा लेकर सड़क पर घूम रहे युवक का वीडियो वायरल होने से लोगों में दहशत, 5 दिन पुराना बताया जा रहा है वीडियो। बाजी को लेकर दो पक्षों में जमकर चले धारदार हथियार, एक दर्जन लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। मेरठ में भारी मात्रा में बेची जा रही है कंपनी की एक्सपायरी दवाइयां, लगभग 1 करोड़ की एक्सपायरी डेट की दवाइयां हुई बरामद। गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में पति पत्नी ने बुजुर्ग महिला से की धक्का मुक्की, मामले का सीसीटीवी आया सामने, पीड़ित बुजुर्ग महिला ने पुलिस को की शिकायत। मेरठ में ट्रांसफॉर्मर से मासूम झुलसा, खेलते समय चपेट में आ गया, चीखने की आवाज सुनकर परिजन आए, बच्चे को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी, अभियुक्तों के पास से तमंचा कारतूस और कार बरामद।
नोएडा पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश पर 10 आपराधिक मामले हैं दर्ज। नोएडा में महिला को 56 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा, अस्थमा अटैक पड़ा, 65 लाख ट्रांसफर कराए गए। साइबर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच की शुरू। हरदोई में सड़क हादसे में एक की मौत, प्रधान समेत 5 घायल, पेड़ से टकराई स्विफ्ट कार। पुलिस ने घायलों को CHC में कराया भर्ती। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मऊ में शिक्षिका ने BSA कार्यालय के बाबू पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, 2 दिन के वेतन के लिए मांगे 44,000, शिक्षा कार्यालय में बचा हड़ताल। बिजनौर में रोडवेज बस ने बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर, एक की मौत, दूसरा घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। मथुरा में बाबुली कहा सुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी डंडे, आधा दर्जन लोग भी घायल। बांदा में 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर, 4 लोग घायल, 2 लोग की मौके पर मौत। मथुरा में पोस्टमार्टम ग्रे पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, एक दूसरे पर लात खूसे बरसाते दिखे लोग, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कानपुर देहात में तेज रफ्तार अनियंत्रित बस खाई में पलटी, राहगीरों में बचा हड़कंप, लगभग 20 सवारियां हुई घायल। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में मारपीट, 3 लोग घायल, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। अवैध गांजा तस्करों के खिलाफ गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25.30 लाख का 101 किलो, 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, 2 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान की बेटी की हत्या, हत्या कर शव कुएं में फेंका, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सोनभद्र में नदी में डूबी तीसरी किशोरी का शव हुआ बरामद, मौके पर पुलिस और स्थानीय गोताखोर भी रहे मौजूद। दिल्ली के उत्तराखंड निवास का लोकार्पण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन, दिल्ली की चाणक्यपुरी में बना उत्तराखंड निवास। धामी का उत्तरकाशी दौरा, आज विभागीय योजनाओं की सीएम करेंगे समीक्षा, कलेक्ट्रेट सभागार में होगी समीक्षा बैठक। बद्रीनाथ में बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, 17 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट होंगे बंद, अभी तक 13 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 15 लाख तक पहुंच सकती है संख्या। चारधाम यात्रा पर सीएम धामी का बयान, कहा इस बार यात्रा में जबरदस्त भीड़, सरकार के इंतजाम बेहतर, समापन की तरफ चारधाम यात्रा। राष्ट्रीय स्थापना दिवस पर होने वाले कार्यक्रम व्रत, अल्मोड़ा हादसे के बाद लिया गया निर्णय, सादगी के साथ मनाया जाएगा स्थापना दिवस। सीएम धामी बोले अल्मोड़ा हादसे बड़ा शुभ। देहरादून में DGP ने ली बैठक, प्रदेश में अपराध की समीक्षा की गई, 10 नवंबर से ये चेकिंग अभियान शुरू, ओवरलोडिंग के खिलाफ चलेगा अभियान। उत्तराखंड ऑर्गेनिक कोच की 25वीं बैठक, गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक, कहा प्रदेश में 50% से ज्यादा जैविक कृषि की जाए, उत्तराखंड 30% ऑर्गेनिक कृषि वाला राज्य। अल्मोड़ा में 5 दिवसीय गोलसियू महोत्सव का आयोजन, अजय चमचा मनोज तिवारी ने किया शुभारंभ, नगर में निकली भव्य शोभा यात्रा। हरिद्वार में HRDA की 83वीं पूर्व बैठक, आयुक्त गढ़वाल की अध्यक्षता में बैठक, बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा लिए गए कई अहम फैसले।
पौड़ी में विकास कार्यों में धांधली का मामला, ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। विकास कार्यों में धांधली, भ्रष्टाचार का आरोप, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में नहीं थम रहा जंगली जानवरों का आतंक, बहादुराबाद में हाथी आने से दहशत, ग्रामीणों ने वन विभाग से की मांग, जानवरों के प्रवेश को रोकने की मांग। हरिद्वार में पति ने की पत्नी की बेरहमी से हत्या, ने व्यक्ति से संबंध होने का था शक, हत्या कर मौके से फरार हुआ आरोपी, पुलिस मामले की गहनता से कर रही जांच। हरिद्वार में युवक की तालाब में डूबने से मौत, एसटीएफ टीम ने शव को किया बरामद, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया शव। एलयूसीसी दफ्तर में फाइनेंशियल फ्रॉड को लेकर हंगामा, लोगों ने घेरा ऑफिस, 15 दिन में भुगतान की चेतावनी, मैनेजर ने कहा निवेशकों की धनराशि सुरक्षित, किसी भी तरह का फ्रॉड नहीं हुआ। हरिद्वार डकैती मामले के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सुभाष की पत्नी, ताऊ और चाचा गिरफ्तार, ज्वेलर्स शोरूम की डकैती। सोने चांदी के दाम में गिरावट, सोना 48 बढ़कर 78,566 का हुआ तो वहीं चांदी 221 सस्ती होकर 94,261 प्रति किलो बिक रही। इंडियन ऑयल का दूसरी तिमाही में मुनाफा 3.8 गुना बढ़ा तो यह है 420 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016 करोड़ हुआ प्रति शेयर, 3 डिविडेंड देगी कंपनी। परमिशन मिलने पर फ्लाइट भी इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई, इंडियन एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मिली ये सुविधा। थाईलैंड ने अनिश्चित काल के लिए बढ़ाई वीजा फ्री एंट्री, इंडियन ट्रेवलर वीजा थाईलैंड घूम सकेंगे, 30 दिनों के लिए एंट्री मिलेगी। डेविड वॉर्नर सिडनी थंडर्स के नए कप्तान, क्रिस ग्रीन को रिप्लेस करेंगे, 12 दिन पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हटाया था बैन। आईपीएल मेगा ऑक्शन 24 से 25 नवंबर को सऊदी अरब में नीलामी, पंत के राहुल और श्रेयस पर बड़ी बोली लगने की उम्मीद। आईपीएल ऑक्शन में पंजाब बिगाड़ेगा सबका खेल, 110.5 करोड़ रुपए और 4 आरटीएम कार्ड बाकी, 5 टीमों को कप्तान, 4 को विकेट कीपर चाहिए। विराट और बाबर एक टीम से खेल सकते हैं, फिर हो सकता है एफ्रो एशिया कप, 2007 में हुआ था पिछली बार। विमेंस क्रिकेट में रुकेगी सोशल मीडिया ट्रोलिंग, ऑटोमेटिक डिलीट होंगे गलत कमेंट्स, आईसीसी ने AI टूल का सफल ट्रायल किया। सलमान खान की फिल्म सिकंदर की सेट से वीडियो लीक, रश्मिका मंदाना का पहला लुक आया सामने, शूटिंग की कुछ और झलकियां भी आई सामने। सलमान को लॉरेंस के नाम से धमकी देने वाले गिरफ्तार, पुलिस ने कर्नाटक से पकड़ा, कहा था जिंदा रहना है तो विष्णुई मंदिर जाकर माफी मांगो। एक्स गर्लफ्रेंड सोबी ने सलमान पर लगाए मारपीट के आरोप, सोशल मीडिया पर लिखा फिजिकल और वर्बल अब्यूज को बढ़ावा नहीं देती इसलिए इंडस्ट्री छोड़ी। रिलेशनशिप स्टेटस पर बोले कार्तिक आर्यन, कहा सिंगल हूं, इस फेज को एंजॉय कर रहा हूं, किसी को लाइव लोकेशन भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। सुशांत की हाउस हेल्प रही सैमुअल ब्रादा को राहत, अब विदेश जा सकेंगे, लुकआउट सर्कुलर पर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा सुप्रीम कोर्ट ने। फिलहाल के लिए सुपरफास्ट की खबरों में बस इतना ही, बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ, नमस्कार।